अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से आजकल जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा रहे, तो इस वजह से जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और ये ज़्यादातर जो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं ये जूम एप्लीकेशन के थ्रू ली जा रही हैं। कुछ लोग ये क्लासेस जो हैं वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स के ज़रिए भी ले रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर इस वक्त सॉफ्टवेयर है वो जूम क्लाउड मीटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर अगर आप इसको मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं तो उसमें तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन जो इसका भी एक नया अपडेट आया है विंडोज़ के लिए, पीसी पर जो लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसका जो अभी नया अपडेट आया है, अगर कोई भी इंसान उसको अपडेट करता है तो अपडेट के बाद तो वो बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है, लेकिन अगर किसी वजह से भी आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है और आप जो है नई विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद अगर आप इसको इसके नए अपडेटेड वर्जन को अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक एरर आ रहा है, और वो एरर जो है वो आपकी स्क्रीन शेयरिंग जो है वो नहीं होने दे रहा। वो एरर आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं, इस तरीके का एक एरर जो है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा जो आपको स्क्रीन शेयर नहीं करने देगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो हमारा जो मेन पॉइंट है इस वक्त वो ये है कि हमें एक्चुअली अपनी स्क्रीन जो है उसको शेयर करवाना है। डजंट मीन कि वो जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो या फिर उसके अंदर हम कोई एक्सटेंशन लगा के उसको पीसी पे यूज़ कर सकें। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट अगर आप सॉफ्टवेयर से इसको करने की कोशिश करेंगे कि देयर इज़ नो वे। मैंने जूम के जो टेक्निकल सपोर्ट है वहाँ पर भी अप्रोच किया, तो वहाँ से भी अभी इसका कोई खातिर खा जवाब वहाँ से नहीं मिला है। तो इसका मैंने एक सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया, और वो ये है कि आप जो है जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है अपने पीसी के अंदर उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद आप जो है गूगल क्रोम जो आपके पीसी में ऑलरेडी होगा, ऑब्वियसली वो जब आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो गूगल क्रोम जो है वो मोस्टली पीसी में होता है, अगर नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप जो है उसको सर्च करवाएंगे अपने गूगल के ऊपर। आप जाएंगे गूगल पर, जाने के बाद आप सर्च करवाएंगे जूम मीटिंग या जूम मीटिंग ऐप फॉर गूगल क्रोम, या फिर जूम ऐप फॉर गूगल क्रोम भी आप करवा सकते हैं। ये करवाने के बाद आपके पास इस तरीके से जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसको आप ओपन कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर जब आप इसको इस तरह ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम। आफ्टर दैट ये जो है आपके पीसी पे, आपके गूगल क्रोम पे इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मेरे पास अभी यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन का जो टैब है वो नहीं आ रहा। इंस्टॉल होने के बाद ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे लॉन्च ऐप पे तो ये आपका जो जूम सॉफ्टवेयर है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ से मैं स्टार्ट विदाउट वीडियो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर लूँगा। अगर मैं यूज़ माई पर्सनल मीटिंग आईडी से लॉगिन होना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूँगा, और उसके बाद विद वीडियो या विदाउट वीडियो इट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ से आप स्टार्ट विदाउट वीडियो पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ से अब हम अपने पॉइंट की तरफ जाते हैं, स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है डेस्कटॉप और दूसरा है एप्लीकेशन। डेस्कटॉप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ओवरऑल जितना भी डेस्कटॉप है वो शेयर हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्लिक करके आप शेयर करेंगे तो ये शेयर हो जाएगा। अब हम जाते हैं पर्टिकुलर किसी ऐप के ऊपर, यहाँ से एप्लीकेशन पे आप जाएं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो इस वक्त ओपन हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ से मैं शेयर करवाऊँगा, ये देखिए ये शेयरिंग स्टार्ट हो गई है हमारी, और ये मेरी आईडी आ रही है, और ये पूरी इस वक्त ऐप जो है ये शेयर हो रही है। मेरा पूरा डेस्कटॉप शेयर नहीं हो रहा, ओनली ये शेयर हो रही है। इसके अलावा अगर आप जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर कुछ स्लाइड्स वगैरह हैं वो अगर आप शेयर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप जो है यहाँ से शेयर करा सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो भी शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप किसी भी ऐप पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो है पहले फेड था, उसके बाद ये ब्लू इसमें कलर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी शेयरिंग जो है वो
स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूवर्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो। आजकल ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है, और जिनके पास नहीं आया उनके पास तब आएगा जब वो अपनी विंडोज़ जो हैं वो अपडेट करेंगे या अपनी विंडोज़ को दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। वन थिंग मोर कि आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे, आप जैसे ही गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर नहीं भी आता, जो भी आपने जो आपका होम पेज है आपने सेलेक्ट किया है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ टॉप लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ऐप्स लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो है ऐप्स जो इसके अंदर मौजूद हैं आपके गूगल क्रोम में वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और यहाँ पे ये जूम जो ऐप है ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जूम ऐप जो है वो आपके सामने आ चुकी है, इंटरफेस आ चुका है, और यहाँ से आप इसको जो आपका प्रोसेस है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।